अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुजम्मिल अवान हूँ। मोले नू मौलाना मारे ते मौलानी मरदा। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी जो गवर्नमेंट में है अब वो एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो चुकी हैं और लड़ाई इतनी खौफनाक हो चुकी है कि अब आने वाले इलेक्शंस में ये दोनों जमातें जो कभी बहुत बदतरीन सियासी हरीफ हुआ करती थी अब एक बार फिर सियासी हरीफ के तौर पर सामने आएंगी। इसके कुछ रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं और मैं आपके सामने वो चीज़ें बयान करूंगा कि ये किस तरह से ये सारा मामला एक बार फिर जो है वो रिवर्स होता नजर आ रहा है कि जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ होंगे। लेकिन सर इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है, उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है और वो कैसे क्लोज हो चुका है इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता चलूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत में आए, मौलाना फजलुर्रहमान, जरदारी, नवाज शरीफ और ये एक मेज पर इकट्ठे हुए। ये बिल्कुल ऐसे इकट्ठे हुए जिस तरह 2007 में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दस्तखत हुए, मिसाके जमहूरियत पर सिग्नेचर्स किए गए मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा, साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान 2007 में एक मुआहदा हुआ, वो था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाके जमहूरियत। उस मिसाके जमहूरियत का मकसद ये था कि उस वक्त का जो डिक्टेटर था परवेज मुशर्रफ उसको इक्तदार से किक आउट करना था, उसको इक्तदार से फारग करना था। उस परवेज मुशर्रफ को इक्तदार से फारग करने के लिए, उसको किक आउट करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिसाके जमहूरियत किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। इसी तरह 2022 के अंदर जब इमरान खान साहब को नुकरे लगाना था तो वो कहते हैं ना कि मौलेनू मौलाना मारे थे मौलानी मरदा, तो इमरान खान साहब को नुकरे लगाने के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी एक हुए। मौलाना फजलुर्रहमान साहब ने इसमें अपना एक किरदार अदा किया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पर कंसेंसस के साथ, मुशावरत के साथ इस नतीजे पर पहुंची कि इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश की जाए और उस पर वोटिंग हुई। इमरान खान साहब फारग हुए। इमरान खान साहब को वैसे ये एजाज जाता है कि वो पाकिस्तान के वो वाहिद वज़ीर आज़म है जो तहरीके अदम एतमाद के जरिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए फारग हुए। वरना पाकिस्तान की आप तारीख उठाकर देख लें कि जो 75 साल तारीख है उसमें जितने भी वज़ीरे आज़म आए, कोई भी वज़ीरे आज़म अपनी आइनी मुद्दत, अपनी 5 साल टर्म पूरी नहीं कर सका, लेकिन कोई अदम एतमाद से फारग नहीं हुआ। इमरान खान साहब को इस बात का क्रेडिट जाता है कि वो अदम एतमाद से फारग हुए। अब इसी तरह ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है जी, इनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है और इक्तदार की सितम ज़रीफ़ी मुलाहिज़ा फरमाएं कि आइंदा आम इंतखाबात से पहले दोनों जमातें जो हैं वो लड़ रही हैं, कोई किसी के खिलाफ बयान दे रहा है, कोई किसी के खिलाफ। देखें, मैं इस बात की वजाहत करता चलूं कि ये लड़ाई हो क्यों रही है और इसके असल मकासद क्या हैं। जरदारी साहब जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, जो बहुत खौफनाक सियासतदान हैं, और इसलिए क्योंकि जो सियासत वो करते हैं वो सियासत बहुत आप समझ लें कि ख़तरनाक सियासत होती है और उसके नतायज बहुत भयानक होते हैं। अब जरदारी साहब ने जो सियासत की है इस वक्त, तो वो एक लिहाज से तो वो कामयाब हुए कि एक तरफ तो उन्होंने इमरान खान को फारग किया और सबको इकट्ठा किया, लेकिन दूसरी जानेब वो पंजाब के अंदर अपने पंजे गाड़े, पंजाब जो नून लीग का गढ़ के लाता, उस पंजाब के अंदर अब वो अपने रिजल्ट शो कर रहे हैं जिसका नुकसान नून लीग को आइंदा आम इंतखाबात में हो सकता है। और नून लीग ये समझती है कि जरदारी साहब जो अपने आप को सिंध तक महदूद रखें, क्योंकि पंजाब में अगर वो आते हैं तो पंजाब में हमारा वोट बैंक खराब हो सकता है, इस हवाले से नून लीग को बड़े तहफ़ात हैं। तो नून लीग को ये लगता है कि जरदारी साहब जो है वो इस वक्त एक डबल गेम कर रहे हैं और जरदारी साहब जो गेम कर रहे हैं इससे नुकसान नून लीग की पॉलिटिक्स को हो सकता है। ये नवाज शरीफ साहब को लंदन में बैठकर बात बताई गई तो नवाज शरीफ साहब ने कुछ पार्टी रहनुमाओं को लंदन में बुलाया, इजलास तलब किया और अब उसमें क्या फैसले होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जरदारी साहब जी बड़े तरीके के साथ, आपने देखा कि कुछ हफ्ते पहले जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, जो जनूबी पंजाब के अराकीने कौमी और सूबाई असम्बली
बड़ी तादाद के अंदर साबका रकीन कौमी और सूबाई असम्बली बड़ी तादाद के अंदर पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हुए। कुछ का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था, कुछ का ताल्लुक मुल्तान से था, कुछ का रहीम यार खान से था। तो इसी तरह अब नून लीग को ये फिक्र लाहक हो चुकी है कि अगर जरदारी साहब ने पंजाब की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर अपने पांव जमा लिए तो नून लीग का वोट बैंक मुतासर हो सकता है और नून लीग को ग्रास रूट लेवल के ऊपर ये चीज डेंट डाल सकती है, उनके वोट बैंक को मुतासर कर सकती है। इसी तरह ये जो लड़ाई है, अब इस लड़ाई का कोई ना कोई नतीजा ये निकलना है कि आने वाले इलेक्शंस में या तो ये दोनों जमातें एक होकर इलेक्शन लड़ लें या ये दोनों जमातों में से एक जमात अपोजिशन में बैठे या एक हकूमत में बैठे। तो ऐन मुमकिन है, क्योंकि सियासत जो है वो इसमें कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो ऐन मुमकिन है कि जी ये जमातें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज माइट बी पॉसिबल अलायंस के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करें, या हो सकता है कि कोई अलायंस हो जाए, या ये हो सकता है कि अलायंस हो ही ना, क्योंकि आने वाले इलेक्शंस के अंदर लोगों ने कारगर्दगी की बुनियाद पर वोट देनी है। इतनी बात तो मैं बड़े वसूख से कर सकता हूं कि जिसकी कारगर्दगी होगी उसी को वोट मिलना है। तो अगर जहांगीर तरीन साहब जो है वो समझते हैं कि जी उनको कारगर्दगी की बुनियाद पर वोट मिलना है तो उनकी कारगर्दगी जीरो है, और उनकी कारगर्दगी ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के तमाम मुस्तरदशुदा सियासी लोटों को कचरा बनाकर अपनी जमात में शामिल कर लिया। और जरदारी साहब की कारगर्दगी ये है कि अगर वो नून लीग का वोट तोड़ते हैं तो नून लीग को डेंट पड़ सकता है, और नून लीग के वो अराकीन जो इस वक्त ये समझते हैं कि पंजाब के अंदर अगर पीपल्स पार्टी कोई 20-30% नशस्तें भी जीत जाती है तो हमारे लिए कौमत साजी मुश्किल हो जाएगी। तो आने वाले इलेक्शन में यह भी ऐन मुमकिन है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना लें, या सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी, चूंकि वहां पर मुकाबला कोई भी नहीं होना, तो आप ये कह लें कि सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएगी। केपीके के अंदर फजलुर रहमान, जरदारी और नून लीग शायद मिलकर हुकूमत बना लें, और बलोचिस्तान के अंदर ऐन मुमकिन है कि कोई बलोचिस्तान अवामी पार्टी, इस तरह की कोई जमात आगे आ जाए। लेकिन पंजाब के अंदर अगर नून लीग को हुकूमत मिली भी तो जिस तरह की गेम जरदारी साहब नून लीग के साथ कर रहे हैं, इससे नून लीग का वोट बैंक मुतासर हो सकता है। तो इमरान खान साहब जो है जी वो तो इस पूरे सिस्टम से एलिमिनेट होते नजर आ रहे हैं। अब तक के रिजल्ट के मुताबिक इमरान खान साहब जो है वो इस पूरे सिस्टम से एलिमिनेट होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से उनकी इदारों के साथ बिगड़ी और 9 मई के वाकयात के जिम्मेदार वो खुद साबित हुए, क्योंकि जो 9 मई के वाकयात हैं उन्होंने उनकी सियासत को उस मुकाम पर ला खड़ा किया जहां पर उनकी पार्टी के लोग उनको डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। तो 9 मई के वाकयात से दरअसल इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को तो नुकसान हुआ, लेकिन इमरान खान साहब का इमेज खराब हुआ, उनकी पार्टी का इमेज खराब हुआ। धड़ाधड़ लोग छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए, वही पार्टी जो जहांगीर तरीन की पार्टी है, वही जहांगीर तरीन जो तहरीक इंसाफ में हुआ करते थे। तो ये दरअसल तहरीक इंसाफ पार्ट टू के तरफ से आई है, इसको अगर देखा जाए तो ये तहरीक इंसाफ पार्ट टू है, और अगर इसका नाम तहरीक इंसाफ पार्ट टू रखा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें तहरीक इंसाफ के ही लोग शामिल हैं। तो इसी तरह से रैंड मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आइंदा मिलकर इक्तदार बना लें, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ लें, कॉलिशन में आए, इतिहाद में इतिहादी हुकूमत बना लें, कुछ भी हो सकता है। सियासत जो है वो उसमें कुछ भी मुमकिन है, पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी मुमकिन है, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वैसे ही मौजजात का नाम है। तो इसी तरह अब आते हैं जी जरदारी साहब के ऊपर, कि जरदारी साहब ने कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को खूब डांटा, और इतना डांटा कि उनकी इतनी क्लास ली, लाभ बढ़ा के उनके हाथ में पकड़ा दी और कहा कि जी आपने ये जो हरकत की है कीता की है तुसी, ये जो अभी प्रिविलेजेस बिल मंजूर हुआ जो चेयरमैन सैनेट के हक में हुआ, चेयरमैन सैनेट सादिक संजरानी के हक में हुआ, जिस तरह से सैनेट में एक बिल लाया गया और वो बिल ये था कि जी जो चेयरमैन सैनेट साहब हैं जी उनकी मोजे लग गई हैं, और सैनेटर साहब जो हैं वो जब रिटायर होंगे सादिक संजरानी साहब बतौर चेयरमैन सैनेट, और उनके लिए क्या क्या अमरात होंगी। देखें जी वो कानून पास हुआ सैनेट के अंदर कि जो रिटायर्ड चेयरमैन सैनेट है उसको 12 मुलाजमीन बतौर स्टाफ मिलेंगे, 8 के करीब सिक्योरिटी एहलकार,
14 इंतहाई पर्सनल इन स्टाफ अहले खाना का इलाज सरकारी हो या प्राइवेट मुफ्त होगा, चेयरमैन सेनेट जरूरी समझें तो जहाज भी मिलेगा। ये जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बिल है, इसका मकसद सिर्फ यही था कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के हक में ये जो बिल पास हुआ, ये मकसद ये था कि जी सादिक संजरानी ने अपना जो है वो काम निकलवा लिया, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की फॉरएवर डिस्क्वालिफिकेशन का खात्मा इस सेनेट से हुआ, जो सेनेट कानून साज इदारा है, जो वफाक की लामत है, फेडरेशन की लामत है, उसी सेनेट ने एक बिल पास किया कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन 5 साल से ज्यादा डिस्क्वालीफाई नहीं रह सकते, किसी भी सियासतदान को अब 5 साल से ज्यादा डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकेगा। ये कानून पास हो चुका है, ये कानून बन चुका है। तो इसी तरह पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बिल जो है, इसका भी यही मकसद है कि जो सादिक संजरानी साहब हैं उनके जी वारे न्यारे हो गए हैं, और सेनेटर कोदा बाबर, आजम नजीर तारड़ साहब, सेनेटर आजम नजीर तारड़, सेनेटर दिलावर, सेनेटर पलोशा खान, सेनेटर फारूक एच नाइक, सेनेटर रजा रब्बानी, ये जितने भी लोग हैं ये इस बिल की हमायत में आए और इन्होंने ये कार्रवाई डाली। और जरदारी साहब अब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से पूछ रहे हैं, फारूक एच नाइक से, रजा रब्बानी से, पलोशा खान से, कि कीता की है। वो कह रहे हैं कि जी हमें तो जो कहा गया था हमने तो वो किया। और सर आपको याद है ना कि गिलानी साहब की दफा वो 14 वोट रिजेक्ट हुए थे, और गिलानी साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब जब चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे तो उनके मद्दे मुकाबिल भी उस वक्त सादिक संजरानी साहब थे। तो वो जो 14 वोट सेनेट से रिजेक्ट हुए थे, वो जो 14 वोट थे जो सेनेट से रिजेक्ट हुए, और उसके बाद वो जो सारी गेम डली, वो कार्रवाई डली, और वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर था मुजफ्फर हुसैन शाह, सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह, जिसका मुस्लिम लीग फंक्शनल से ताल्लुक था, पीर पगाड़ा साहब की जमात से ताल्लुक था, वो जी जिस तरह से वो वोट रिजेक्ट हुए थे, आपको याद होगा कि वो 14 वोट रिजेक्ट हुए और उस वक्त वो वोट चैलेंज हुए और कहा गया कि जिन वोट्स को चैलेंज किया जाए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वो फैसला चैलेंज हुआ कि सेनेट के अंदर वो 14 वोट कैसे रिजेक्ट हुए। सर जी वो जिहड़े 14 वोट रिजेक्ट हुए सन, वो इन्हां दी कार्रवाई सी, उसमें भी यही लोग इन्वॉल्व थे, ये रजा रब्बानी, फारूक एच नाइक और नून लीग के भी कुछ सेनेटर्स इन्वॉल्व थे, जिनका नाम मैं खैर इसलिए नहीं ले रहा। उसमें आई थिंक ये खवातीन, एक खातून साहिबा भी थी, वो सेनेटर पता नहीं उनका क्या नाम था, मेरे जेन से कलसूम या नजमा इस तरह से था कोई उनका नाम, तो वो नजमा में थी आई थिंक। तो इसी तरह से ये जो कार्रवाई डली थी, ये सेनेट के अंदर जो कार्रवाई डली थी, इसमें भी यही लोग इन्वॉल्व थे। तो इसी तरह जरदारी साहब अब ये पूछ रहे हैं कि कार्रवाई किन्ने पाई है, वो कह रहे हैं कि जी सानू नहीं पता, सानू तो जो समझाया गया सी वो कीता, वो कह रहे हैं हमें तो जो बताया गया हमने तो सर वो किया। अब इतने ये मासूम लोग हैं कि जरदारी साहब ने जब इनकी अच्छी खासी तबीयत साफ की और जरदारी साहब ने कहा कि एक ही गेम की थी, तो ये लोग जरदारी साहब को अब ये यकीन दिला रहे हैं कि सर जी हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लगे ये वही लोग थे जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी की दफा सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाया अपने जाती मुफादात के लिए, क्योंकि खुद कई अराकीन सेनेट के कह चुके थे कि हमारे सादिक संजरानी के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। तो सर सादिक संजरानी इन 14 वोटों से तो चेयरमैन सेनेट बना, लेकिन वो जिसकी चॉइस था वो मैंने आपको इससे पहले व्लॉग में बताया कि वो बाजवा और फैज हमीद की गुड बुक्स में आता था, और उसको चेयरमैन सेनेट बनाना मजबूरी था और उसको चलाना जरूरी था, क्योंकि जब तक वो था तब तक उनके ऊपर वालों के फैसले हो रहे थे, तब तक वो खुश थे, तब तक उनकी मुराद पूरी हो रही थी, और उनको पता था कि असेंबलियों में भी हमारे बंदे बैठे हुए हैं। तो बाजवा और फैज हमीद जो है उन्होंने अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के जरिए सादिक संजरानी को कठपुतली ही सही, लेकिन चेयरमैन सेनेट जरूर बनवाया। अब इसी तरह जी राणा मकबूल और इरफान सदीकी जैसे जो सेनेटर्स हैं वो रो रहे हैं, और मेरी एक सेनेटर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा यार साड़ी तो मंजी ठोक दी इन्होंने। मैं कहा जी कैसे? वो जी जड़े नवे सेनेटर ने उन्होंने घट पैसे मिलते हैं, जड़े पुराने सेनेटर ने उन्होंने लखा लखा रुपया मिलता है, तो सानू घट पैसे मिलते हैं, साड़ा घर नहीं चलता। अब वो सेनेटर साहब जो है वो खैर बड़ी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और हैं वो नून लीग के, लेकिन जब मेरी उनसे बात हुई तो वो ये बता रहे थे कि ये जो सेनेट के अंदर हुआ ये इंतहाई घटिया और इंतहाई बिलो द बेल्ट हरकत हुई है कि मौजूदा चेयरमैन सेनेट जो भी आएगा और साबका चेयरमैन सेनेट,
क्योंकि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बिल जो है वो दरअसल चेयरमैन सेनेट, मौजूदा चेयरमैन सेनेट और सबका चेयरमैन सेनेट दोनों के लिए, तो सत्य कह रहा जी वारे ही नहीं आ रहे कि पुराना चेयरमैन सेनेट जो रिटायर हो जाएगा, जो सबका चेयरमैन सेनेट होगा वो तो आसाइशों से फायदा उठाएगा, लुत्फ उठाएगा, लेकिन जो नया चेयरमैन सेनेट होगा उसके लिए भी बड़ा सर सुकून होगा, उसको भी बड़ा फायदा होगा। तो इसी तरह से ये जो सारा कुछ हुआ ये गेम थी, और आजम नज़ीर तारड़ साहब इसमें उनकी गेम जो डाली हुई कार्रवाई है उसको कोई फरामोश नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस गेम के मास्टरमाइंड हैं और उन्होंने ये गेम डाली। आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने एक गेम तब भी डाली थी जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, तो उस वक्त हुकूमत के खिलाफ वो चले गए थे और उन्होंने वो वोट दिए थे जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो वोट किसी और को देंगे, वो किसी और कैंडिडेट को वोट देंगे, और उन्होंने अपनी साइड बदली। और उस वक्त जो अटॉर्नी जनरल थे, क्या नाम था उनका यार, अश्तर औसाफ अली, दोवी जड़े भाई साहब है ने, दोवा ने कार्रवाई पाई और दोनों ने हुकूमत के खिलाफ वोट दिए। और फिर आजम नज़ीर तारड़ साहब जी, मुझे तो बाजवा साहब ने कहा था कि आपने वोट देना है, मतलब इतने मासूम थे कि इस मुल्क का वजीर खजाना होके वो शख्स कह रहा है कि जी मुझे तो बाजवा साहब ने कहा था कि आपने वोट देना है, आपने इनके हक में वोट देना है। ये अक्टूबर के अंदर, लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर ये तीन जजेस की अपॉइंटमेंट हुई थी ना, तो उस वक्त ये रोला पड़ा था, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस सतर मेनिल्ला। तो आजम नज़ीर तारड़ साहब जो है जी वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बिल के मास्टरमाइंड हैं और उन्होंने ये सारी कार्रवाई डलवाई। सेनेटर दिलावर खान इसमें इन्वॉल्व हैं, सेनेटर वो कैदा बाबर इसमें इन्वॉल्व हैं, इसी तरह सेनेटर फारूक कैच नाइक, सेनेटर रजा रबानी, सेनेटर पलोशा खान, ये सारे इन्वॉल्व हैं इसमें। तो अब जी आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जो एडमिट कर चुके थे अपनी गलती, अपना ब्लंडर के मेमो गेट पर मुझे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था और उनकी गलती थी, और उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि जी क्यानी साहब को बेल आउट किया गया और मेमो गेट पर मुझे सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं जाना चाहिए था क्योंकि उस वक्त हम जब गए तो अदालत पॉलिटिसाइज हुई, और उस वक्त आपको याद है ना कि मेमो गेट के ऊपर वो एक जो हमारे चीफ जस्टिस थे उस वक्त के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उन्होंने किस तरह से वावेला किया था और लार्जर बेंच बना था, तो आप सबको याद होगा। इसी तरह जी नवाज शरीफ साहब जो हैं अब उनसे मिलने राणा सनाउल्ला साहब, मरियम नवाज साहिबा, उसके बाद एहसन इकबाल साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और दीगर अरकान जा रहे हैं, और उस मुलाकात में क्या तय होता है उसमें पहली बात तो यह है कि निगरान हुकूमत, केयर टेकर गवर्नमेंट, क्योंकि अब टाइम पीरियड कम है, टेन्योर कम है इस गवर्नमेंट का, तो उसके बाद निगरान हुकूमत का क्या अमल में आना है, तो लड़ाई वहां से शुरू होनी है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, के दो जमातों ने बैठकर निगरान हुकूमत का फैसला करना है। और ऑपोजिशन लीडर सत्ते ही कह रहा है राजा रियाज, जिसको कहा जाएगा तो उसने कहना है कि जी ठीक है जो तुसी कहना हो मैं कबूल करना, तो राजा रियाज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन लीडर ही माशाल्लाह बड़े धीमे मिजाज का शख्स है और उसको जो कहा जाएगा उसने तो ओके कर देना। और वैसे भी राजा रियाज ने आइंदा मुस्तकबिल में इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ना है फैसलाबाद से, तो वो जो राणा अफजाल वाली सीट है वहां से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे वो, तो राणा सनाउल्ला साहब ने वैसे भी उनकी सिफारिश की है नवाज शरीफ साहब से कि उनको टिकट मिलेगा। और दूसरी बात ये कि ये जो लड़ाई है ना अब ये स्टार्ट होनी है निगरान हुकूमत के ऊपर, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट बननी है ये दरअसल लड़ाई यहां से शुरू होनी है, तो जड़ी लड़ाई हैगी उनका लड़ाई का कोई ना कोई नतीजा तो निकलना है। नून लीग ने कहना हमारा निगरान वजीर आजम, पीपल्स पार्टी ने कहना हमारा निगरान वजीर आजम, जिस तरह से अब लड़ाई हो गई है कि तुहाडा चेयरमैन पीसीबी ते साडा चेयरमैन पीसीबी, और नजम सेठी ने कहा कि जी मैं तो जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान जो है वो कोई लड़ाई का सबब नहीं बन सकता, मैं तो चाहता हूँ कि जी मैं तो अब इस जो है वो कैंडिडेट के तौर पर ना ही सामने आऊँ तो बेहतर है, मैं तो खुद को साइड पर कर रहा हूँ। तो क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ये मुतालबा किया था कि बैनुल सूबाई राबता की जो वजारत है, जो फेडरल मिनिस्ट्री है फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, वो हमारे पास है, तो इसलिए जी चेयरमैन पीसीबी मारा होना चाहिए। और जका अशरफ जो मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा के बड़े करीबी तस्वुर किए जाते थे, और जका अशरफ चौधरी, जका अशरफ साहब जो है वो इससे पहले भी चेयरमैन पीसीबी रहे, वो सबका चेयरमैन पीसीबी हैं, तो उनको दोबारा से लाने की तैयारियां हो रही हैं। इसी तरह सर लड़ाई होनी होनी है और लड़ाई का नतीजा कोई ना कोई निकलना है।
तो नवाज शरीफ साहब ने उनसे जी वहां पर एक तो निगरान हुकूमत की बात होगी, फिर दूसरा कुछ टिकट्स के वाले से चीजें फाइनलाइज करनी है कि टिकट्स किस किस कैंडिडेट कौन कौन से कैंडिडेट्स को देनी है, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो टिकट के एहलियत नहीं रखते या जिनको रिजेक्ट किया जाना है या जिनकी कारकर्दगी पिछली 5 साल कारकर्दगी से अवाम मुतासर नहीं हो सकी, अवाम को उनसे शिकायात हैं, शिकमे हैं। तो इसी तरह ये जो अब टिकट्स की बारी है इसके ऊपर भी बात होनी है। लेकिन सर एक जो बड़ा प्रॉब्लम है वो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी है। इस बात को डिस्कस करके यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी है, और उन्होंने पाकिस्तान आना है तो उन्होंने पाकिस्तान ऐसे हालात में नहीं आना जब बंदयाल साहब बैठे हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब के करीबी दोस्त हैं, उनका मेरे से रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब ये रिस्क नहीं लेंगे कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर कोई मोर्जा हो जाए, 3 रुकनी बेंच बैठ जाओ नवाज शरीफ को, चलो जी फारक तुसी जाओ जेल, नवाज शरीफ साहब को जेल हो जाए। क्योंकि नवाज शरीफ साहब उस टाइम तक नहीं आएंगे जब तक बंदयाल साहब रिटायर नहीं होते, और नवाज शरीफ साहब को पता है कि कोई मोर्जा हो गया तो वो बहुत बड़ा मोर्जा हो सकता है, तो कोई ऐसा मोर्जाती फैसला आ गया तो मेरे लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। तो मियाँ साहब को पता है कि जी अगर कोई इस तरह की हरकत हो गई और मैं सितंबर से पहले पहले पाकिस्तान आ गया तो मेरा मक्कू ठप्पा जाएगा और 3 रुकनी बेंच बैठेगा और कोई फैसला आ जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब के एक जो करीबी हैं वो तो यही कह रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी जी सितंबर के बाद ही होनी है, और ऐन मुमकिन है कि वो जिस दिन बंदयाल साहब रिटायर हो रहे हैं 14 सितंबर को आई थिंक हो रहे हैं, तो शायद 15-16 को आ जाए नवाज शरीफ साहब, और अक्टूबर में इलेक्शन है ना, तो थोड़ा बड़ा टाइम पे होएगा, बहुत टाइम होगा, वधिया टाइम होएगा। नवाज शरीफ साहब आएंगे पाकिस्तान आके इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं और अवाम को बता सकते हैं कि मेरे साथ नाइंसाफियां हुई, ज्यादतियां हुई। चूंकि वो अगर बंदयाल साहब से पहले आएंगे तो फैसला कोई भी आ सकता है सर, बेशक इस वक्त अदलिया एक सॉफ्ट कॉर्नर रखकर बैठी है, और कुछ का कहना था ना कि ये वजीर आजम अगर इलेक्शन नहीं करवाएंगे शहबाज शरीफ तो इन्हें अदालत में फारग, लतीफ खोसा जैसे वकील, एतजाज हसन जैसे वकील जो बड़े मायानाज वकील हैं वो ये कह रहे थे। तो सर ये नहीं हो सका क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक बाजू है, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक बाजू है, जब तक एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तब तक इलेक्शन नहीं होंगे, ये चीज अपने जहन में रख लें। वो चाहे ऊपर कितने ताकतवर जज क्यों ना हो, जब एस्टैब्लिशमेंट तैयार नहीं है, दारे तैयार नहीं है, और आप वैसे भी ज्यादती कर रहे हैं कि आप एक सूबे के इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन करवा दें सर, आप पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन करवा देते मई के अंदर तो शायद सारे कहते कि देखो यार इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं। ये फैसला इसलिए तस्लीम नहीं किया गया कि पंजाब में इलेक्शन करवा दो और केपीके का मामला मुतलका फॉरम देखे, ऐ तो सर गलत गल है ना, ऐ तो वही हो गया ना कि अपनी वारी आई थी घुघुर हो पिया, ये तो वो फैसला आया। तो इसलिए जी नवाज शरीफ साहब कोई रिस्क नहीं ले रहे, वो पाकिस्तान आएंगे अपनी मर्जी से आएंगे, लेकिन वो तब आएंगे जब बंदयाल साहब जाएंगे, ये फैसला हो चुका है। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक न्यू सेगमेंट के साथ मेरी मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।